वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम एक और जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। खासकर ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो कि बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल है। अगर आप यही अकाउंटेंट आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जा करके बनते हैं तो आपकी सैलरी 30-35-40 हज़ार रुपये तक जाती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंटेंट अगर आप बनते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं, तो वहां पर आपकी सैलरी 96,000 से स्टार्ट होती है। तो एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। अब इसके लिए क्या करना होगा, वो सब चीज़ें अब इस डिटेल में आप समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रुप बी की जॉब है, रजिस्टर्ड ऑफिसर की जॉब है, और आपका इंडियन ऑडिटर एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर CAG, तो आप CAG के अंडर में रहेगा ये काम, CAG जिसको कहते हैं आप। द प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ द वर्किंग एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बट मोस्ट कैंडिडेट्स विल बी द डूइंग द कंप्यूटर डाटा ओरिएंटेड वर्क। तो बेसिकली आपके पास में एज अ इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्शन के लिए भी आप इसमें आप काम करेंगे। एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है, बहुत सारी ऐसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको एज अ अकाउंटेंट आपको वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है, चेक करना होता है कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो एक बहुत अच्छे रेपुटेशन की जॉब है, मैं ये कहूँगा। और यहाँ पर देखिएगा, असिस्टेंट विद द ऑडिट्स ऑफ द फैक्ट्स चेकिंग, सैलरी पे लेवल आपका 8 है और यहाँ पर अगर आप ग्रेड पे 4800 है, तो ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। और जहाँ तक कि मैं बिजनेस मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैक्सिमम बच्चे SRCC कॉलेज के बच्चे भी हैं और अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इन बच्चों की इंग्लिश बड़ी शानदार है और ये बच्चे कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि सर, सबसे पहले कि ये एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है अगर कोई बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम कर रहा है। खैर, ये नॉन बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि उनको भी जॉब पर ट्रेनिंग दी जाती है जब जॉब लगती है। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन तो सबके लिए होता है, लेकिन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं इसको कहूंगा बेस्ट जॉब है। और यहां पर एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें सबसे पहले आपका एंटर कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, या साइंस का हो, रेगुलर का हो, या SOL का हो, या सिर्फ पासिंग मार्क्स हो, या फिर फुल परसेंटेज हो, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपने एग्जाम कंडक्ट करती है, एक दो लेवल में एग्जाम लेती है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इसको हम टीयर वन बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं इसको, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, और आपके ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर है। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, तो ईच सब्जेक्ट 50 मार्क्स हो गए आपके, और टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो गया, 1 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो 25-25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम रहेगा, और इस 60 मिनट में ही आपको ये 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा नहीं है कि इसमें इतने नंबर, जैसे UPSC में होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप अनलिमिटेड इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक एज क्राइटेरिया होता है, उस एज क्राइटेरिया के अंडर आप लोग होने चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही वाले के भी मार्क्स कट ऑफ हो जाएंगे। और उसके बाद प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स कोई आगे लगेंगे नहीं। आप यहाँ क्वालिफाई करते हो, फिर आपको मेंस के पेपर के लिए इनविटेशन देती है गवर्नमेंट, और फिर मेंस के पेपर में सेम सब्जेक्ट फिर फॉलो करते हो, सेम सिलेबस फॉलो करते हो, डिफिकल्टीज लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए, GK 25 हो गए, और इंग्लिश का रोल बड़ा अच्छा है कि 45 क्वेश्चन है। तो ये 390 का ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है मेंस के अंदर, और 120 मिनट्स होते हैं इस बार, और इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इनके 390 में से डिसाइड आपका हो जाता है कि आपके जो है सिलेक्शन जो है किस पोस्ट पर आपका होने वाला है। तो CGL के अंदर बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपको एक ही फेस करना है, आपके मार्क्स और आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट जो है वहां पे वो आपको देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैट जो बच्चे कर रहे हैं SRCC के बच्चे, तो कैट के कंपेटिवली में तो मैं इसको कहूंगा कि ये पेपर आपका लगभग लगभग कैट के कंपेटिवली आपका 40% 30% में कहूंगा 30% रहता है ये पेपर, जो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंपेटिवली। इसमें बस एक चीज़ थोड़ी सी आपकी रेंज से बाहर चली जाती है, वो जनरल नॉलेज जो बिल्कुल
आपका हर चीज आपको पढ़वा देती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। लेकिन जो तीन सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे तीनों में आपके चांसेस हैं कि आपके तीनों में फुल स्कोर हो जाए, मतलब 45 से अबव हो जाए आउट ऑफ 50। तो यहाँ पर चांसेस आपका काफ़ी अच्छा रहता है। जीके थोड़ा पॉलिश करोगे तो हो जाओगे। तो वो सारे बच्चे जो कि टैलेंटेड हैं, खासकर जो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस में हैं और वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स प्लान कर रहे हैं, मैं कहूँगा इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा है कि आपके इंग्लिश इस लेवल की है कि आप बिना प्रिपरेशन के भी इंग्लिश में यहाँ पर 35-40 स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे तो ईजिली इसका आपका स्कोर हो जाएगा। तो इन जॉब की तरफ भी आप देखिएगा। अब चांसेस है कि इसका जो है दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाए और आपका मार्च मई में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम आपके हो जाएं। एवरी ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, एवरी ईयर। इस ईयर अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर भी आपके पास में है, उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आप लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, इसको आप लोग मिस मत कीजिए। और डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स से रिलेटेड पूरा लेक्चर मेरा जो है मैथ्स का एंड रीजनिंग का, ये पूरा लेक्चर है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, प्लस में डेली लाइव क्लास भी चलती है। बट आप जिस दिन एनरोल होंगे उसी समय आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड फोल्डर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में। और आपके पास में रीजनिंग के अंदर भी आपको फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, और साथ के साथ आपका लाइव भी डेली मॉर्निंग में चलता रहता है। तो वो एक मिनिमम कोर्स पे आप उस कोर्सेज को भी ले सकते हैं। एंड प्लस में वो जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अगर कोर्स लेते हैं तो उसमें एक और एडवांटेज मिलेगा कि आप जो है कोर्स लेने के बाद बीच बीच में आपको एक टाइम दिया जाएगा एवरी मंथ कि आप आकर के मिल सकते हैं, ताकि आपको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस मिल सके। क्लियर है बच्चे? तो डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।